नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूं YouTube पे फजिंग को लेकर। और मुझे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं जो वीडियो बनाता हूं वो मुझे हिंदी में बनाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हिंदी में पढ़ते हैं, उनका जो ग्रेजुएशन वगैरह होता है वो हिंदी में होता है, और एकदम से अगर वो इंग्लिश में करें ट्राई तो उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है। और मैं खुद भी हिंदी में पढ़ा हूँ, स्कूल से लेकर कॉलेज तक मैंने जो भी पढ़ाई की है वो हिंदी में की है, तो मुझे भी काफ़ी दिक्कत हुई थी जब मैं अपनी मास्टर्स में एकदम इंग्लिश में मुझे सब बताया गया रखी कि ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसको आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है और इंग्लिश में ही आंसर करना है। तो मैंने सोचा कि ये काफ़ी अच्छा आइडिया होगा अगर मैं अपने फजिंग वीडियो को या तो हिंदी में ट्रांसलेट करूँ उनका, या फिर मैं शिवराज से जो वीडियोज़ हैं जो मैं बनाता हूँ वो मैं हिंदी में बनाऊं, तो इससे काफ़ी लोगों को हेल्प होगा। और मैंने इसके लिए ट्विटर पे पोल किया था काफ़ी दिनों पहले, तो मुझे इस पर लोगों का मिक्स रिस्पांस मिला है। यानी इसमें अगर आप देखेंगे तो मुझे टोटल 35 वोट्स मिले थे, और इसमें 54% लोगों ने ना किया है, बट इसमें 45.7% लोगों ने, ऑलमोस्ट 46% लोगों ने हाँ किया है। तो ये काफ़ी नज़दीकी रिजल्ट थे, और मुझे लगता है कि काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं हिंदी वीडियोस में। अगर मैं फजिंग को लेकर हिंदी वीडियोस बनाता हूँ तो काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा होगा। तो इसी सीरीज़ में आज मैं अपना पहला वीडियो ये जो है बना रहा हूँ, और इसमें हम लोग देखेंगे कि AFL क्या होता है और हम लोग इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं, और इसके बाद हम लोग एक साधारण सा सिंपल सी प्रोग्राम जो मैंने बनाया है फजिंग के कंसेप्ट को समझाने के लिए, हम लोग उसको देखेंगे कि हम लोग कैसे इस प्रोग्राम को AFL के द्वारा फज करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि AFL क्या होता है। तो AFL एक्चुअली एक फजर है जो कि माइकल सरलोस्की ने लिखा था। ये गूगल में, गूगल प्रोजेक्ट जीरो में काम करते थे, और अभी हालांकि ये गूगल में नहीं है, ये गूगल को छोड़ चुके हैं, बट ये जो फजर ने लिखा था ये अब काफ़ी पुराना हो चुका है, अराउंड 2015 या 14 के आसपास ये शायद बनाया गया था। और ये पहले बनाया गया था लिनक्स के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसे फज करने के लिए, जो भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं जिनका सोर्स कोड हमारे पास अवेलेबल होता है, ये उसको फज करने के लिए बनाया गया था। और AFL क्या करता है कि एक बाइनरी इंस्ट्रूमेंटेशन का कंसेप्ट यूज़ करता है। इसमें क्या करता है कि जिसे आप प्रोग्राम, जो भी आपका प्रोग्राम होता है, जो भी आपका सी प्रोग्राम या सी प्लस प्लस जो प्रोग्राम होता है उसमें ये इंस्ट्रूमेंटेशन यानी अपना खुद का छोटा सा प्रोग्राम ऐड कर देता है, और जब आप उस प्रोग्राम को रन करते हैं, जब आप उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो वहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन होता है। बेसिकली जो ये छोटा सा प्रोग्राम इंस्ट्रूमेंट करके इसमें ऐड करता है, इसमें जो जो आपके प्रोग्राम में अपना जो छोटा सा पार्ट ऐड करता है उसके थ्रू इस फजर को पता चलता है कि आपका प्रोग्राम जो है वो कौन सा पाथ ले रहा है। यानी जैसे अगर आपके प्रोग्राम्स में काफ़ी कंडीशन होते हैं, इफ्स एल्स के अगर कंडीशन होते हैं, तो ये किस ब्लॉक में है। बेसिकली यहाँ पर कंसेप्ट होता है बेसिक ब्लॉक और इंस्ट्रूमेंटेशन का, तो ये हम लोग बाद के वीडियो में काफ़ी डिटेल में देखेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ के चलिए कि जब आप AFL को रन करते हैं ये आपके प्रोग्राम को, आपकी जो बाइनरी होती है उसे इंस्ट्रूमेंट करता है, आपके प्रोग्राम को इंस्ट्रूमेंट करके बाइनरी बनाता है, और ये बाइनरी जब रन होती है तो AFL को पता चल जाता है कि कौन सा पाथ कहाँ पर ले रहा है, और उसके बेसिस पर ये अपना इनपुट चेंज करता है। AFL का टारगेट ये होता है कि जितने भी प्रोग्राम के पाथ्स होते हैं कवर हो जाए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट पूरे प्रोग्राम को कर सकें और आपको क्रैश मिल सके। क्योंकि अगर आपका पूरा प्रोग्राम ये अगर ट्रैवर्स नहीं कर पाएगा, सारे पास अगर ये ट्रैवर्स नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब ये है कि आपके इनपुट में कुछ प्रॉब्लम है और आपके इनपुट को चेंज करना पड़ेगा। अगर ये आपके प्रोग्राम को ट्रैवर्स नहीं कर पाता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो आपके दूसरे जो आपके प्रोग्राम में बग्स हैं वो फाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका जो इनपुट है उस तक पहुँचेगा नहीं, उस ब्लॉक तक पहुँचेगा नहीं, तो ये फजिंग इफेक्टिव नहीं रहेगी। तो ये इसका टारगेट होता है कि जितने भी प्रोग्राम के पाथ होते हैं सारे कवर हो जाएं, और इसके लिए काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज यूज़ करता है। जैसे ये क्या करता है कि जैसे आपका जो भी इनपुट फाइल होता है ये उसे ओपन करेगा और उसमें काफ़ी स्ट्रेटजी लगाता है, जैसे एक बिट या तो ये चेंज करेगा, या एक पूरी बाइट चेंज कर देगा, या कुछ रैंडम बाइट चेंज कर देगा, या फिर दो इनपुट फाइल को लेके एक नया इनपुट फाइल बनाएगा और उससे अपने प्रोग्राम को फिट करेगा।
तो इसके अलावा इसमें काफ़ी डिक्शनरी वर्ड भी आप दे सकते हैं, जैसे कि अगर आप PDF वगैरह फर्स्ट करते हैं या जैसे आप XML फाइल को फर्स्ट करना चाहते हैं, तो आपने देखा होगा कि उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉमन सिंटेक्स होता है। जैसे PDF में आप इसका हेडर जो होता है वो हमेशा %PDF से चालू होता है, XML काफ़ी सारे टैग्स होते हैं, तो ये सारे कॉमन जो टैग्स होते हैं ये आप एक टेक्स्ट फाइल में कॉपी करके डिक्शनरी फाइल बना सकते हैं और ये फाइल को आप दे सकते हैं। तो ये उनका यूज़ करके नया इनपुट फाइल बनाएगा और इससे आपके जो प्रोग्राम पाथ होते हैं जो ट्रैवर्स करता है वो करने में काफ़ी आसानी रहेगी, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग पहले देखते हैं कि ये फाइल को इंस्टॉल कैसे किया जाए और उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है उसे फर्स्ट करेंगे। तो मैं ज़्यादा थ्योरेटिकल इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ, हम लोग आगे के वीडियो में इसको देख सकते हैं। तो पहली चीज़ आपको ये करना पड़ेगी कि जो AFL होता है वो होस्टेड होता है GitHub पे, गूगल github.com/google/AFL। अगर आप इसमें जाते हैं तो आपको AFL का पूरा जो कोड है यहाँ पर वो आपको मिल जाएगा, आप इसमें देख सकते हैं। और आपको क्या करना है कि एक लिनक्स मशीन पर आपको इसे जिट क्लोन करना पड़ेगा। तो द कमांड उसके लिए जो होता है वो होता है जिट क्लोन, कॉपी कर दीजिए URL को, गलत कमांड टाइप कर दिया था मैंने। ओके, तो इसका कमांड ये होता है जिट क्लोन https github.com google afl। और जब आप ये करेंगे तो ये क्या करेगा कि जो AFL पजर का जो सोर्स कोड है वो आपके सिस्टम में कॉपी कर देगा, उसको क्लोन कर देगा। मेरे केस में मैं ऑलरेडी इसे क्लोन कर चुका हूँ क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ करता हूँ दूसरे वीडियोस बनाने में, तो इसलिए ये एरर दे रहा है कि फैटल डेस्टिनेशन पाथ ऑलरेडी एग्जिस्ट और ये खाली डायरेक्टरी नहीं है। तो अब आके देखते हैं कि AFL डायरेक्टरी के अंदर एक्चुअली क्या होता है। तो अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर काफ़ी सारी फाइल्स हैं, काफ़ी सारी सी फाइल्स होती हैं, जैसे AFL analyze.c, AFL ASP.c.h, AFL सीमन, ये सारी कंपाइल बाइनरी फाइलें जो कि जनरेट होती हैं जब हम अपना प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, जब आप AFL को कंपाइल करते हैं। तो क्योंकि ये एक लिनक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसे कंपाइल करना काफ़ी सिंपल है, आपको सिर्फ ये कमांड रन करना पड़ेगा जो कि है मेक। अगर आप मेक कमांड लिखते हैं तो ये AFL को आपके यहाँ कंपाइल कर देगा आपके सिस्टम पे। और इसके अलावा एक ये जो सपोर्ट करता है, अगर आप मैसेज यहाँ देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंटेशन सिर्फ सुबह वर्किंग, इसका मतलब ये है कि ये इसने जो एक टेस्ट किया है उसमें देखा कि इंस्ट्रूमेंटेशन एक सैम्पल प्रोग्राम है test.c, ये देख रहा है कि इंस्ट्रूमेंटेशन अगर प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये प्रॉपर चल रहा है, मतलब कि आप प्रोग्राम कंपाइल कर सकते हैं और पास कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ये होता है कि LLVM यूजर्स, तो एक मैसेज अगर आप देखेंगे तो अगर फास्टर अल्टरनेटिव आपको चाहिए, बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि AFL आपको कंपाइलर रैपर देता है जो कि AFL GCC या AFL GCC++ होता है, AFL G++ होता है सॉरी। तो ये जो कंपाइलर रैपर होते हैं आपको ये यूज़ करना पड़ता है, अगर आप फजिंग करना चाहते हैं तो आपको ये AFL के कंपाइलर रैपर यूज़ करके आपका प्रोग्राम कंपाइल करना पड़ेगा, अदरवाइज जो इंस्ट्रूमेंटेशन कोड होता है वो आपके प्रोग्राम में आपके बाइनरी में प्रेजेंट नहीं होगा, और AFL अगर आप रन करेंगे तो ये चल नहीं पाएगा। तो हमेशा जब भी आपको फर्स्ट करना है AFL के द्वारा, तो आप ये ध्यान रखिए कि आप AFL के द्वारा दिए गए कंपाइलर रैपर जो कि AFL GCC और AFL G++ है उसका यूज़ करें। AFL GCC का यूज़ किया जाता है जब आपको सी प्रोग्राम कंपाइल करके फर्स्ट करना होता है, और AFL G++ का यूज़ किया जाता है C++ प्रोग्राम को फर्स्ट करने के लिए। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। इसके लिए आप जनरली क्या कर सकते हैं कि आप इसमें एनवायरमेंट वेरिएबल भी सेव कर सकते हैं, जैसे कि CC=AFL GCC, जैसे कि आप इस कमांड में देख सकते हैं CC=AFL-GCC और CXX=AFL-G++। तो ये क्या करता है कि जो भी आपके कंपाइलर एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर देगा, और जब भी आपका प्रोग्राम कंपाइल होना चाहेगा तो ये इन वेरिएबल को सेट करेगा, देखेगा कि सी कंपाइलर की वैल्यू क्या है, ये उसे बताएगा कि ये है AFL GCC, तो ये AFL GCC यूज़ करेगा, और ये चेक करेगा CXX यानी C++ कंपाइलर की वैल्यू क्या है, तो ये होती है AFL G++, तो ये AFL G++ यूज़ करेगा। तो इसके अलावा आप कुछ दूसरे एक्स्ट्रा फ्लैग्स इसमें दे सकते हैं, जैसे कि
जी जी डी बी मतलब कि हमें डिबग बिल चाहिए डैश ओ जीरो, इसका मतलब ये होता है कि हमें जो हमारी बाइनरी होगी हमें ऑप्टिमाइजेशन नहीं करना है, और डैश एफ सैनिटाइज इज इक्वल टू एड्रेस कॉमा अनडिफाइंड। तो ये क्या होता है कि जो सैनिटाइजर्स होते हैं लिनक्स में, अगर आपने प्रोग्रामिंग किया होगा तो उसमें ये सैनिटाइजर होते हैं काफ़ी अलग अलग तरह के, जैसे एड्रेस होते हैं सैनिटाइजर या अनडिफाइंड सैनिटाइजर, पैक सैनिटाइजर, ये सब होते हैं, और ये आपकी हेल्प करते हैं बग को फाइंड करने में। तो ये लोग काफ़ी ये जो सैनिटाइजर होते हैं ये कंपाइल टाइम टूल्स होते हैं, ये बेसिकली दूसरे कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि आपकी जब मेमोरी एलोकेशन होती है तो ये अपना कुछ वहाँ डेटा डाल देते हैं, और जब ये डेटा जब कुछ करप्शन होता है और वो डेटा को एक्सेस किया जाता है तो ये सीधे क्रैश कर देते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है जब भी आपको फजिंग करना होता है। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कोई भी ओपन सोर्स प्रोग्राम को फर्स्ट करना चाहते हैं तो आप इन सैनिटाइजर्स का यूज़ करें, जो कि आप इनेबल कर सकते हैं एफ सैनिटाइज इज इक्वल टू एड्रेस और अनडिफाइंड से। इसके बाद डैश एफ नो ओमिट फ्रेम पॉइंटर, ये भी काफ़ी यूज़फुल होता है। इसके बारे में अगर आप चाहें तो गूगल में पढ़ सकते हैं काफ़ी डिटेल में, इसका वेबसाइट पर जाकर मैं इसे काफ़ी जल्दी में कवर कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और क्योंकि ये पहला वीडियो है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग इससे कंफ्यूज हो जाएं। और इसके बाद एलडी फ्लैग, तो ये लिंकर फ्लैग्स हुआ करते हैं, सेम इसमें आप दे सकते हैं जी जी डी बी एप्स एड्रेस। कभी कभी अगर आप ये फ्लैग नहीं देते हैं तो आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, आप लिंकिंग इशू फेस करेंगे, तो जनरली आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद डॉट स्लैश कॉन्फिगर, अगर कोई आप सॉफ्टवेयर को फर्स्ट करना चाहते हैं तो आप उसको कॉन्फिगर फाइल से रन करेंगे, उसके बाद आप मेक करेंगे और आपके बाद उसके बाद मेक इंस्टॉल करेंगे। बट इस केस में अभी हम पहले देखें कि एल एल वी मोड में कैसे कंपाइल किया जाए ए फेल को। तो ए फेल में क्या होता है कि जो डिफॉल्ट इसका कंपाइलर रैपर होता है ए फेल जी सी सी और ए फेल जी प्लस प्लस, ये काफ़ी स्लो होता है, यानी जब आप प्रोग्राम को से कंपाइल करते हैं तो जो जनरेटेड जो बाइनरी होता है वो काफ़ी स्लो होता है। तो इसके लिए ये अलग मोड यूज़ करता है जो कि होता है एल एल वी एम मोड। इसके लिए बेसिकली आपको सी लैंग इंस्टॉल करना पड़ेगा, और ये क्या करता है कुछ सी लैंग के फीचर्स यूज़ करता है, और इससे जो आपका कंपाइलेशन होता है और प्लस आपका जो एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम का वो काफ़ी फास्ट हो जाता है। तो इसको कंपाइल करने के लिए आप उसने एक बार जैसे एक फिर डायरेक्टरी में आप गए, आपने मेक रन किया, उसके बाद आपको ये मैसेज आता है, तो आप सीधे चेंज करिए सीधी एल एल बी मोड, और यहाँ जाकर भी आप सीधे मेक कर दीजिए। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये आपको सेम मैसेज देगा, इंस्ट्रूमेंटेशन सीम्स टू बी वर्किंग, इसका मतलब ये है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो प्रॉपरली रन हो रहा है, आप यूज़ कर सकते हैं ए फेल सी लैंग फास्ट। तो ये आपको दो कंपाइलर रैपर देगा, एक तो होगा ए फेल सी लैंग फास्ट और एक होगा ए फेल सी लैंग फास्ट प्लस प्लस। तो ये आप यूज़ करके सी और सी प्लस प्लस प्रोग्राम कंपाइल कर सकते हैं। तो इसको अगर आप अपनी पुरानी ए फेल डायरेक्टरी में जाएंगे और अगर आप देखेंगे तो यहाँ काफ़ी दूसरी फाइल्स भी आपको दिखेगी जो कि ए फेल के टूल्स होते हैं, ए फेल सी मेन है, ए फेल फर्स्ट होता है इसका मेन बाइनरी होता है, ये हम देखेंगे कैसे यूज़ करना है, और ए फेल जी प्लस प्लस, ए फेल सी लैंग प्लस प्लस, ए फेल सी लैंग, ए फेल सी लैंग फास्ट, ए फेल सी लैंग फास्ट प्लस, ये प्लस प्लस, ये जो है ये कंपाइलर रैपर्स होते हैं। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, हमें सीधे सुडो मेक इंस्टॉल कर देना है, सुडो मेक इंस्टॉल। तो ये क्या करेगा कि जो ए फेल के बाइनरीज हैं, मतलब कि जो ए फेल सी लैंग है, ए फेल सी लैंग प्लस प्लस है, ए फेल सी लैंग फास्ट है, ए फेल सी लैंग फास्ट प्लस प्लस है, ये उसमें आपको इंस्टॉल कर देगा। तो आप अपने सिस्टम में कहीं भी जाके कोई भी डायरेक्टरी में जाके आप इसको रन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं सुडो मेक इंस्टॉल, और आप देखेंगे कि ये काफ़ी थोड़े वो टेस्ट जो है परफॉर्म करता है, और उसके बाद ये इंस्टॉल कर देता है ए फेल सी लैंग फास्ट को यूज़र लोकल बिन में, और जो भी इसके जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होते हैं वो यूज़र लोकल बिन में ये इंस्टॉल कर देते हैं। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको देखना है कि ए फेल जी सी सी इंस्टॉल हुआ है नहीं, आप सीधे ए फेल जी सी सी इंस्टॉल कर दीजिए, तो आपको ये मैसेज ऐसा देखने को मिलेगा, इसका मतलब ये होता है कि आपके सिस्टम में ए फेल जी सी सी इंस्टॉल हो चुका है, या फिर आप ए फेल
कुछ अमाउंट भी वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको देखना है कि कहाँ और कौन सी डायरेक्टरी में इंस्टॉल हुआ है तो विच उसके बाद AFL डैश जीसी से दे सकते हैं, तो ये आपको बता देगा कि कौन सी डायरेक्टरी में आपके सिस्टम पर ये इंस्टॉल हुआ है। तो ये स्टेप्स थे अगर आपको AFL को इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में आप कैसे करें। और इसके बाद हम लोग जो हैं एक दूसरी चीज़ देखते हैं, हम लोग एक जो साधारण सा सी प्रोग्राम है जो मैं जनरली अपने वीडियोस में बताता हूँ, हम देखेंगे कि उसे कैसे फंस किया जाए। तो ये जो प्रोग्राम है ये मैंने GitHub पे होस्ट किया हुआ है और इसका URL है github.com/harvick05/damnvulnerable-c-program। इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको एक img.read.c फाइल देखने को मिलेगी, इसमें अगर आप क्लिक करते हैं तो ये एक बहुत ही अगर आप देखेंगे छोटा सा प्रोग्राम है। बेसिकली ये क्या करता है कि इसमें एक मेन फंक्शन होता है, ये दो आर्गुमेंट एक्सपेक्ट करता है, argc जो कि हर सी प्रोग्राम में यूज होता है। इसके बाद ये सीधे फंक्शन को कॉल करता है जो कि प्रोसेस इमेज फंक्शन है, और इसमें आर्गुमेंट पास करता है जो आपने प्रोग्राम को आर्गुमेंट दिया है। अगर आप इस प्रोग्राम इस फंक्शन में अगर आप जाते हैं प्रोसेस इमेज फंक्शन, ये क्या करता है कि एक फाइल नेम लेता है, उस फाइल नेम को ये ओपन करता है, कुछ टेक्स्ट देखता है कि अगर फाइल नेम ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उसके बाद में ये फाइल से डेटा रीड करता है इस स्ट्रक्चर में img, और ये स्ट्रक्चर जो है img वो यहाँ डिफाइन किया गया है, डिक्लेयर यहाँ हुआ है और डिफाइन यहाँ किया गया है। ये स्ट्रक्चर में काफ़ी अगर आप देखेंगे तो वैल्यू है, जैसे कि एक कैरेक्टर है 4 bytes का कैरेक्टर अरे है कि हैडर है, एक इंटीजर वेरिएबल है जो कि विड्थ है, एक इंटीजर वेरिएबल है जो कि हाइट है, और दूसरा कैरेक्टर अरे है डेटा जो कि 10 bytes का। तो ये एक इमेजनरी फाइल फॉर्मेट मैंने बनाया था ताकि जो लोग फजिंग करते हैं वो सीधे इसका कंसेप्ट समझ सकें, और मैं इसे काफ़ी सिंपल रखना चाहता था, मुझे नहीं चाहिए था कि मैं इसे काफ़ी कॉम्प्लेक्स कर दूँ और लोगों को इसको समझने में परेशानी हो, तो इसलिए मैंने इसे काफ़ी साधारण सा रखा है। और इसमें इसके बाद अगर आप देखेंगे व्हाइल लूप में, जब ये डेटा रीड करता है यहाँ पर, तो ये क्या करता है कि डेटा रीड किया स्ट्रक्चर में, उसके बाद हेडर विड्थ हाइट वगैरह सब प्रिंट करता है, और उसके बाद ये विड्थ और हाइट को जोड़ता है, और उसके बाद जो वैल्यू आती है तो कि ये सेव करता है size1 में, और उसके बाद ये करता है कि size1 के बराबर एक मेमोरी एलोकेट करता है अपने प्रोग्राम में, यहाँ अगर आप देखेंगे, और उसके बाद जो नई मेमोरी एलोकेट हो चुकी है उसमें कुछ डेटा कॉपी करता है। तो जो डेटा ये कॉपी करता है वो कहाँ से लिया जाता है, इसमें ये इमेज डॉट डेटा, मतलब कि जो हमारे स्ट्रक्चर था यहाँ पे जो डेटा फिर है ये यहाँ से डेटा लेता है, और ये डेटा स्ट्रक्चर में कहाँ से आता है, ये आता है यहाँ fregs से, मतलब कि फाइल में जो भी डेटा होता है ये रीड करता है उसको यहाँ कॉपी करता है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि एक वल्नरेबिलिटी या एक इश्यू ये है कि अगर ये जो डेटा है ये अगर 10 बाइट का होता है, या अगर इसकी जो लेंथ होती है ये अगर विड्थ और हाइट को अगर आप जोड़ दें उससे अगर ज़्यादा होती है, तो ये जो है वो मेमोरी करप्शन करेगा हमारे प्रोग्राम में, उसके कारण हमारा प्रोग्राम क्रैश होगा। तो अगर हमने ASM जो कि एड्रेस सैनिटाइजर वगैरह यूज़ किया हुआ है हमारे कंपाइलेशन में, तो तुरंत क्रैश हो जाएगा। अगर उतना यूज़ आपने ASM का यूज़ आप नहीं करते हैं एड्रेस सैनिटाइजर का, तो चांसेस ये होते हैं कि ये हर बार शायद क्रैश नहीं होता, ये बाद में जाके क्रैश होगा। जैसे एड्रेस सैनिटाइजर के केस में जहाँ इसने डेटा कॉपी किया ये यहीं क्रैश हो जाएगा, बट अगर आपने उसको यूज़ नहीं किया एड्रेस सैनिटाइजर को, तो हो सकता है कि यहाँ आगे जाए और कभी अगर ये डेटा यूज़ हुआ यहाँ पर या कहीं पर भी तो यहाँ क्रैश करे या इसके बाद क्रैश करे या क्रैश करे ही ना, डिपेंड करता है। तो इसलिए हमेशा ये रिकमेंडेड होता है कि आप इस सैनिटाइजर का यूज़ करें। उसके बाद यहाँ पर एक जो इशू था वो ये था कि यहाँ इंटीजर ओवरफ्लो होता है, इसका मतलब ये हो गया कि जो इंटीजर की साइज जो होती है मैक्सिमम जो साइज होती है FFFFFF, या अगर साइन इंटीजर तो होगा 7FFFFF, अगर उससे ज़्यादा आप डेटा कॉपी करना चाहते हो तो ट्रंकेट हो जाता है। ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में, बट अभी के लिए समझिए कि जैसे इसकी वैल्यू अगर से बड़ी हो जाती है तो ट्रंकेट होकर 1 या 0 हो जाता है, तो इसकी साइज जो होती है वो काफ़ी कम होगी डेटा से। तो ये एक मेजर इशू होता है काफ़ी वल्नरेबिलिटीज के केस में। और सिमिलरली वहाँ पे इंटीजर अंडरफ्लो का भी एक कंसेप्ट होता है, इसमें क्या होता है कि जो इंटीजर का मिनिमम वैल्यू होता है, जैसे जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है 0, अगर आप उसमें -1 कॉपी करेंगे तो क्या होगा, तो उसमें उसकी जो वैल्यू होती है वो फिर से ट्रंकेट हो जाती है, वो काफ़ी लंबा एक काफ़ी बड़ा इंटीजर बन जाता है ट्रंकेट होते हैं। तो इस केस में आप क्या होता है कि जो मेमोरी एलोकेट करते हैं, एक बहुत बड़ी मेमोरी एलोकेट करना चाहता है आपका प्रोग्राम, तो उस केस में आपका प्रोग्राम उसे एलोकेट नहीं करने देता, क्योंकि प्रोग्राम के पास में बहुत लिमिटेड मेमोरी होती है,
अब उसको आपके प्रोग्राम को लोकेट जो मेमोरी होती है वो 4 GB होती है, और अगर ये रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये 20 GB मेमोरी चाहिए या 16 GB मेमोरी चाहिए तो ये अलाउ नहीं करेगा। तो इस केस में अगर आपने सैनिटाइजर यूज़ किया है जैसे कि मेमोरी सैनिटाइजर या फिर एड्रेस सैनिटाइजर, तो ये यहाँ पर क्रैश हो जाएगा, या तो मेमोरी एलोकेशन अलाउ ये करने नहीं देगा, यहाँ क्रैश होगा, और अगर मेमोरी एलोकेशन हो जाता है तो फिर वो और कहीं जाकर आगे क्रैश होगा। इसके अलावा यहाँ पर डिवाइड बाय जीरो एक वल्नरेबिलिटी होती है, जैसे कि अगर हाइट जीरो है, अगर आप किसी इंटीजर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो फिर से क्रैश होगा, क्योंकि वो बिहेवियर जो होता है वो आपका डिफाइंड नहीं है। तो इसके केस में आपको अगर अनडिफाइंड बिहेवियर सैनिटाइजर एक और होता है वो अगर आप यूज़ करते हैं तो यहाँ तुरंत क्रैश कर देगा। और वैसे ही आउट ऑफ बाउंड रीड, यानी कि जो आपकी लिमिट होती है उससे अगर आप आगे जाके रीड करते हैं कुछ मेमोरी में, वह कहलाता है आउट ऑफ बाउंड रीड, या अगर आप वहाँ पे कुछ जो लिमिट होती है उससे आगे जाके अगर आप राइट करते हैं तो वो हो जाएगा आउट ऑफ बाउंड राइट। तो ऐसे काफ़ी सारे इश्यूज़ यहाँ पर हैं जो कि यहाँ क्रैश कर सकते हैं। और उसके बाद मेमोरी लीक होता है, जैसे आपने कुछ मेमोरी एलोकेट किया और आपने उसको प्री नहीं किया तो वो एक मेमोरी लीक होगा। बेसिकली जितनी बार आपका लूप एग्जीक्यूट होगा, जितनी बार आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उतनी बार वो मेमोरी एलोकेट करेगा आपके सिस्टम से, आपके प्रोग्राम के लिए। और उसको फ्री नहीं करोगे, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब आपके पास मेमोरी अवेलेबल नहीं होगी। इसके बाद स्टैक एग्जॉस्टन और हीप एग्जॉस्टन भी होता है। बेसिकली जो आपका स्टैक होता है वो काफ़ी लिमिटेड क्वांटिटी में मेमोरी होती है उसके पास, तो अगर आप कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट करते रहते हैं स्टैक पर से, या कुछ ना कुछ डेटा अगर आप कॉपी करते ही रहते हैं उसमें, जैसे कुछ रिकर्शन आपने फंक्शन कॉल किया और आप कंडीशन उसे एग्जिट करना भूल गए, तो क्या करता है कंटिन्यूस उसमें फंक्शन कॉल करते रहेगा, स्टैक की वैल्यू बढ़ती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कंडीशन ऐसी हो जाएगी जबकि स्टैक के ऊपर जगह ही नहीं रहेगा आपके फंक्शन कॉल को स्टोर करने का, तो वहाँ आप उसको बोलते हैं स्टैक एग्जॉस्टन। और जनरली एक्सप्लोइटेबल नहीं होते हैं क्योंकि आप जनरली इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे कुछ भी एड्रेस वगैरह समय, तो ये जनरली यूजलेस होते हैं। मैंने काफ़ी ऐसे बग्स माइक्रोसॉफ्ट को रिपोर्ट किए हैं बट वो सीधे मना कर देते कि नहीं हम फिक्स नहीं करते ऐसे बग्स, उसके बाद से मैंने रिपोर्ट करना बंद कर दिया ऐसे सारी बग्स। बट ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए क्या होता है मैंने इसमें रखा हुआ है। उसके बाद हीप एग्जॉस्टन जो बग्स होते हैं वो जैसे आप स्टैक में होते हैं कि आप डेटा कॉपी करते रहते हैं और स्टैक की लिमिट के बाहर चला जाता है तो स्टैक एग्जॉस्टन होता है, उसी समय उसी प्रकार से जो हीप एग्जॉस्टन बग होते हैं उसमें क्या होता है कि आपके पास एक फाइनाइट अमाउंट में हीप होता है और जब आप उसमें सारी मेमोरी एलोकेट कर देते हैं तो आप एक कंडीशन ऐसा आता है कि आपके पास हीप में मेमोरी बचता ही नहीं है कि आप क्या एलोकेट करेंगे, तो वो जो है उसे हम बोलते हैं हीप एग्जॉस्टन। पर जनरली मेरे ख्याल से ये भी एक्सप्लॉइटेबल नहीं होते हैं बट मैंने वो कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ रखा हुआ है। और ये एट द मैक्स आपके लिए डिनाइल ऑफ सर्विस कर सकते हैं अगर किसी सॉफ्टवेयर के बग हैं तो। और तो ये जो होता है ये प्रोसेस इमेज फंक्शन करता है और उसके बाद ये फाइल क्लोज करके और रिटर्न हो जाता है। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है और आप इसे चाहें तो जितनों कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो सीधे करना है कमांड रन करना है जो कि है जिट क्लोन, और ये URL आप कॉपी कर लीजिए यहाँ जाके और सीधे कमांड रन कर लीजिए। तो मेरे केस में ये मैंने AFL के अंदर से जिट क्लोन कर दिया इसलिए हो चुका है, तो कोई इशू नहीं है। हम लोग इसमें जाके देखते हैं वल्नरेबल सी प्रोग्राम में क्या है, तो उसमें काफ़ी सारी अलग अलग मैंने फाइल्स रखी हैं और हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं वो है imgreed.c। ये वही प्रोग्राम है जो हमने अभी देखा था, तो पहले देखते हैं कि इसे कंपाइल कैसे किया जाए और उसके बाद हम लोग इसे देखेंगे फर्स्ट कैसे किया जाए। तो इसमें हम लोग यूज़ करेंगे aflgcc का, तो कमांड ये होती है aflgcc imgreed.c को imgreed.afl, और हम लोग इसमें एब्सेंट एड्रेस भी दे देते हैं एड्रेस ये हम देंगे cpack में यहाँ चल जाएगा और ठीक है। तो ये हम लोग ट्राई करते हैं कि कंपाइल होता है या नहीं होता है
उसके बाद देखेंगे। ओके, ये आप देखेंगे कि इसमें एक मैसेज आपको मिला है, इंस्ट्रूमेंटेड 137 लोकेशन 16 4 बिट नॉन हार्डन मोड रेशो 100%। तो इसने हमारा प्रोग्राम इंस्ट्रूमेंट किया है। अब अगर आपको कंफर्म करना है कि हमारा प्रोग्राम एक्चुअल में इंस्ट्रूमेंट हुआ या नहीं, तो आप क्या करते हैं कि एक NM करके कमांड होता है, NM NA, और ये कमांड क्या करता है कि बेसिकली आपका जो भी इसमें सिंबल्स होते हैं उसको आप देख सकते हैं, इस कमांड को टाइप करते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये आपको कुछ सिंबल्स देखेंगे, जैसे कि AFL एरिया पॉइंटर, AFL प्रीवियस लोकेशन, AFL सेटअप फेलियर एक्सेट्रा। तो इसका मतलब ये होता है कि इस फाइल में हमारा इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट है। इसके अलावा आप इसमें कुछ देखेंगे, ASN वगैरह भी इसमें है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो बाइनरी है वो ASN बिल्ट है इसमें। इसमें AFL काफ़ी आप इसमें सिंबल देख सकते हैं, आप चाहे तो ग्रैप भी कर सकते हैं, जैसे ग्रैप अगर मैं इसमें करता हूँ तो मुझे खाली AFL वाले जो मैच होते हैं वो मिलेंगे। अगर मैं इसमें ASN करता हूँ तो जो ASN रिलेटेड जो इसमें सिंबल्स है वो मिलेंगे। इसका दूसरा तरीका ये होता है, अगर आपको कोई देखना है कि बाइनरी ASN या MCN से कंपाइल्ड है या नहीं है, एक्सेप्ट करके यूटिलिटी होता है जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं PIP इंस्टॉल PONTOOLS से। उसका कमांड पहले मैं बता देता हूँ, वो कमांड का ये होता है PIP इंस्टॉल यू, ये हमें अपग्रेड करना है, या तो फिर आप सीधे ये बता दीजिए तो ये हो जाएगा PIP इंस्टॉल PONTOOLS। ये जो है चेक सिक्योरिटी इंस्टॉल कर देगा आपके सिस्टम में, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। हम लोग क्या कर सकते हैं, खाली इसे रन करना है और आप देखेंगे कि इसका जो आउटपुट होता है उसमें ये बता देगा कि ASN हमारी बाइनरी के लिए इनेबल्ड है और UBSAN अनडिफाइंड बिहेवियर सैनिटाइजर भी इनेबल्ड है। तो अब हम क्या करते हैं कि हमें एक सिंपल सा इनपुट फाइल चाहिए। इनपुट फाइल बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक फोल्डर बनाएंगे, एक डायरेक्टरी इन जिसमें कि हमारा सारा सीट फाइल रहेगा। और AFL क्या करेगा कि इस डायरेक्टरी में से जो भी फाइल हमने दिया है उसको लेगा, उसको म्यूटेट करेगा, मतलब जो मैंने स्ट्रैटेजी बताया था, जैसे बिट फ्लिप करेगा, यानी एक बिट चेंज करेगा, या एक बाइट चेंज करेगा, या दो फाइल को कंबाइन करके तीसरी फाइल बनाएगा, या कुछ डिक्शनरी यूज़ करेगा, कुछ रैंडम मैथमेटिक ऑपरेशन करे, कुछ इंटरेस्टिंग वैल्यूज जो होता है 7FF या 8080 जो इंटीजर वगैरह जनरेट कर सकते हैं उसका यूज़ करेगा यहाँ पर। तो हमें एक सीट कॉर्पस देना पड़ता है, जितना छोटा आपका सीट कॉर्पस होगा उतना अच्छा है। कि मैक्सिमम जो AFL फाइल आपके सपोर्ट करता है वो होता है 1 MB, और 1 MB मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो भी मिनिमम साइज़ होता है कुछ KB में, 10 KB, 20 KB, मैक्सिमम 100 KB आप रखिए उसको, और उससे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। क्योंकि जितना बड़ा आपका फाइल होगा उसमें आप सोच सकते हैं जब AFL बिट फ्लिप करता है तो उसको 1 MB के बिट्स अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा बड़ा, उससे काफ़ी टाइम लगेगा। उससे इस प्रकार बाइट फ्लिप करने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, तो वो एक आइडियल अप्रोच नहीं है। जितना आपका इनपुट सेट कॉर्पस छोटे से छोटा होगा, जितना कम रखेंगे उतना अच्छा होगा। तो इसमें आपको उसका उसके अलावा कॉर्पस होता है मिनिमाइज भी करना पड़ता है, जिसके लिए आप AFL सीमिंग टूल यूज़ कर सकते हैं, वो हम लोग आगे दूसरे वीडियोस में देखेंगे। तो अभी तो खाली हम लोग एक सीट कॉर्पस जनरेट करते हैं, हम लोग एक फाइल जनरेट करेंगे जैसे मैंने डायरेक्टली बनाया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसको हेलो एक इन डायरेक्टरी के अंदर एक सिंपल टेक्स्ट फाइल बनाते हैं जिसमें खाली टेक्स्ट रहेगा हेलो। तो हम लोग ये जो फाइल है ये हम फीड करेंगे हमारे प्रोग्राम को, हम लोग देंगे AFL को, AFL इस फाइल को चेंज करेगा, और हो सकता है कि अगर बराबर प्रोसेसिंग अगर हमारा प्रोग्राम नहीं करता है तो कुछ क्रैश मिले। तो ये हमारा काम यहाँ पे हो चुका है, हमने सीट कॉर्पस जनरेट कर दिया है, और हम देखते हैं कि AFL से फर्स्ट कैसे करना है। तो AFL का जो फर्स्ट कमांड होता है काफ़ी सिंपल होता है, हम लोग जो टूल यूज़ करेंगे होता है AFL फर्स्ट, AFL डैश फर्स्ट, और उसमें डैश आई यानी जो आपका इनपुट फोल्डर जहाँ आपने सीट फाइल रखा हुआ है फर्जिंग के लिए वो आप देंगे, डैश ओ मतलब कि आउट, इसमें जहाँ आप चाहते हैं कि AFL अपने जो क्रैशेस होते हैं या जो हैंग्स होते हैं वो सेव करें, तो वो आप एक फोल्डर का नाम देना है, ये AFL फोल्डर अपने आप क्रिएट कर लेगा यहाँ पर। उसके बाद डैश एम इज इक्वल टू नन देना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो बिल्ट है वो 64 बिल्ट हमने किया है इसको, और उसके लिए अगर आप ASN यूज़ करते हैं तो काफ़ी लंबा काफ़ी बड़ा आपको मेमोरी उसमें चाहिए होता है, तो इसलिए हम लोग इसमें मेमोरी लिमिट नन करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी बाइनरी के लिए कोई मेमोरी लिमिट नहीं है। और डैश डैश ये सिंटेक्स आप याद रखिएगा, इसमें डैश डैश आपको देना पड़ेगा
उसके बाद आपकी जो बाइनरी होती है जो हमने उसको कभी जो कंपाइल किया है int img read_afl और उसके बाद @ तो afl क्या करता है कि ये जो हमारी बाइनरी होती है उसके बाद में एक रन टाइम ये क्या करेगा कि जो @ है इसको रिप्लेस कर देगा अपनी एक फाइल से जिसका नाम होता है .conf, तो वो जो फाइल होती है वो सारा म्यूटेड डेटा उसमें सेव होता है। तो ये हम लोग अभी देख लेंगे इसके बाद में फर्स्ट करने के बाद क्या एक्चुअली होता है और इसके अगर अगर आप देखेंगे तो आप सिर्फ रन कर सकते हैं इसे सिंटेक्स ये सिंपल है, हमेशा याद रखें afl पास -in -o out -nr --, आपका जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल जो आपने कंपाइल किया है afl इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ में और @ और जैसे ही आप इंटर हिट करते हैं आप देखेंगे कि afl का कुछ मैसेज देखेंगे उसमें और उसके बाद afl अपना फर्स्ट करना चालू कर देगा। तो ये afl का GUI होता है और इसमें आपको ये रन टाइम बताएगा कि कितने टाइम से हम लोग ये फर्स्ट रन कर रहे हैं, लास्ट न्यू पाथ यानी उसको जो पाथ मिला था अभी लास्ट टाइम वो कब मिला था, कितने सेकेंड्स या कितने मिनट्स या कितने घंटे पहले मिला था लास्ट यूनिक क्रैश, और जैसे ही आप फाइनल में इसको कुछ क्रैश अगर मिलता है तो वो उसे कब मिला था वो ये आपको बताएगा, आप यूनिक हैंग कब मिला था तो ये आपको पता चल जाएगा। स्टेज कौन सा है जैसे अभी हैवोक है, हैवोक में क्या करता है कोई भी रैंडम स्ट्रेटेजी यूज़ कर लेगा जैसे कि बिट फ्लिप करेगा या बाई फ्लिप कर लेगा या कुछ तो भी रैंडम सा इसमें डेटा वगैरह ऐड या डिलीशन कर देगा। टोटल एग्जीक्यूशन कितने हुए हैं, आपका प्रोग्राम कितनी बार एग्जीक्यूट हो चुका है, एग्जीक्यूशन स्पीड कितना है, जैसे हमें अभी मिल रहा है 60 या 70 एग्जीक्यूशन पर सेकेंड, मतलब कि एक सेकेंड में 70 बार आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है जो कि काफ़ी स्लो है। इसके बाद फजिंग स्ट्रेटजी यील्ड यानी बिट फ्लिप में इसको कितने नए पार्ट्स मिले हैं, बाइट फ्लिप में कितने बार इसको मिले हैं, अर्थमेटिक्स में इसमें कितने एग्जीक्यूशन किए हैं उसके बाद इसको एक कुछ नया पाथ मिला है तो वो आपको यहाँ मिल जाएगा। और लेवल्स मतलब अभी कितने लेवल है यानी इसने कुछ नया पाथ फाइंड किया है या नहीं किया है, तो आप देखेंगे कि टोटल पाथ जो है वो बनी है, साइकिल्स डन मतलब कि 15 साइकिल हो चुके हैं, मतलब कि सारे जो इनपुट थे आपके इनपुट डायरेक्टरी में वो सारे इनपुट 16-17 बार प्रोसेस कर चुका है और उसके बाद नया से कुछ डैश मिलता है या कुछ इनपुट मिलता है। टोटल क्रैश मतलब टोटल क्रैश कितने हैं और उसमें से यूनिक क्रैश कितने हैं, तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप दो इनपुट देते हैं और हो सकता है कि वो सारे एक ही जगह पे क्रैश करें तो वो यूजलेस होता है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक इनपुट है जो कहीं क्रैश करता है, तो इसलिए ये क्या करता है कि एक टपल देखता है और उसमें से जो भी इसे यूनिक टपल मिलते हैं उसके बेसिस पे ये होता है कि ये यूनिक क्रैशेस हैं। तो ये एक्चुअल में यूनिक क्रैश नहीं होते हैं, जब आप रुकवास फाइनल इसका एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलेगा कि कभी कभी क्या होता है कि आपको पता है कि जैसे नो यूनिक क्रैशेस हैं बट एक्चुअल में शायद हो सकता है एक ही यूनिक क्रैश हो या दो यूनिक क्रैश हो, ये को मैनुअल एनालिसिस फिर भी करना पड़ेगा, यानी आप ऐसा नहीं कि नो यूनिक क्रैशेस एक ने बताया मतलब नो के नो यूनिक क्रैश है, ये डुप्लीकेट भी हो सकता है। और टाइम आउट तो मतलब कितने जो उसमें पाथ से जो टाइम आउट करते हैं, और ओन फाइंड्स मतलब इसने खुद ने कितने पाथ जो है फाइंड किए हैं, इम्पोर्टेड कितने हैं। इसमें एफएल में क्या होता है कि आपके पास में ऑप्शन होता है आप इसके मल्टीपल इंस्टेंस रन कर सकते हैं, जैसे मैंने तो हालांकि अभी एक ही किया है बट मेरे पास अगर 8 कोर या 10 कोर होते हैं या 100 कोर होते हैं तो मैं एक मास्टर कोर रन कर सकता हूँ और एक बाकी सारे जो है स्लेव कोर रन कर सकता हूँ। तो ये करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक ही सिस्टम में होना चाहिए और नेटवर्क पे भी कुछ एफएल के पोर्ट जो काम करते हैं, बट जनरली इसको सिंपल रखने के लिए आप समझिए कि सारे अगर आपके पास 8 कोर हैं तो आप एक ही सिस्टम में सारे कोर रन कर लें। तो ये इसका GUI होता है, मैप डेंसिटी वगैरह काउंटेज अभी आप इग्नोर करिए आपके लिए अभी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। और आप देखेंगे कि हमने 12 क्रैश ढूंढ चुके हैं अभी तक हमारा afl जो हमने पास किया था, तो मैं अभी इसे कैंसिल कर रहा हूँ, कैंसिल करने के लिए आप सीधे Ctrl+C टाइप करिए तो ये कैंसिल कर देगा इसको। तो मुझे लगता है कि आज के लिए और इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अगले जो वीडियो हैं हम उसमें देखेंगे कि जो हमने क्रैश ढूंढे हैं afl फर्जा रन करके उसका रूट कॉज एनालिसिस हम लोग कैसे करें, मतलब कि हम लोग ये कैसे पता करें कि ये जो हमारा प्रोग्राम है यहाँ पर उसमें कौन सी कंडीशन में हमारा प्रोग्राम जो इनपुट है वो क्रैश हो रहा है और हम लोग कैसे उसे GDB के द्वारा डिबग कर सकते हैं। तो वीडियो बंद करने के पहले एक लास्ट चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें अगर आप आउट फोल्डर में जाएँ और अगर आप डायरेक्टली लिस्टिंग अगर इसकी आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी अलग अलग फोल्डर हैं जैसे क्रैशेस, तो इस क्रैशेस फोल्डर में क्या होता है कि जो भी क्रैशेस ढूंढे हैं जो 12 क्रैश हैं वो यहाँ इसके अंदर होंगे, जो इनपुट फाइल जो होता है वो यहाँ होंगे, जो 12 इनपुट फाइल होंगे जो क्रैश कर रहे हैं आपके प्रोग्राम को
वो यहाँ होंगे। फर्स्ट बिट में BFL का इंटरनल है, अभी हम लोग नहीं कवर कर रहे हैं। फर्दर स्टेट भी आप छोड़ दीजिए अभी। और हैंग्स फोल्डर जो होता है उसमें जो भी सारे हैंग्स होते हैं, जो इनपुट आपके प्रोग्राम को क्रैश करता है, वो यहाँ होगा और वो सारी फाइल्स यहाँ होगी। और डेटा अभी नहीं कवर कर रहे हैं। और क्यू में क्या होता है कि जो भी इसे नए पाथ मिलते हैं, जो भी ये चेंज करता है, तो वो क्यू में होता है। यानी जैसे इसने कुछ डेटा को म्यूटेट किया और कुछ इसे नया पाथ मिला तो क्यू में चला जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्यू में देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। इसमें आप देखेंगे तो अगर आप कैच करते हैं आई डी जो पहला हमारा है, तो ये पहला हमारा जो इनपुट हमने दिया था उसमें हेलो था, इसने खाली इसको ओ हटा दिया है। देखिए ये इसे लगा कि कुछ इंटरेस्टिंग इनपुट है तो उसने खाली हेल्प को इसमें रखा है, वो हटा दिया है। ये डेटा जो है वो क्यू में था। और इसका अगर आप फाइल फॉर्मेट सॉरी नेमिंग अगर आप देखेंगे, फाइल का नाम ID 000 है और इसका मतलब ये होगा कि कॉमा ओरिजिनल 1.txt। जिसका ओरिजिनल जो हमने अगर आप याद करेंगे नाम हमने दिया था इको जब हमने किया था हेलो, तो ये था 1.txt और इसने अपना इंटरनल नाम चेंज करके इसे कर दिया इनपुट 0। मतलब ये पहला इनपुट है। वैसे अगर आपके पास में दूसरा होगा तो उसका जो भी नाम होगा उसको ये कर देगा ID 001 002 003, ऐसा ये होते जाएगा। और इसके बाद में अगर आप देखें क्रैशेज फोल्डर, तो यहाँ पर ये सारे इनपुट्स हैं 12 जो कि इसने क्रैश किया 0 से लेकर 11 तक। और एक रेडमी फाइल, तो रेडमी फाइल जो होता है ये काफ़ी आपको हेल्प कर सकता है फ्यूचर में। इसमें अगर आप देखें तो ये कमांड होता है जो आपने रन किया था AFL फर्स्ट स्लैश आई आपका इन फोल्डर डैश ओ आउट फोल्डर एम रन और डैश डैश स्लैश IMG रीड अंडरस्कोर ये पहले हम देखते हैं। तो ये कभी आप जैसे क्या होता है कि भूल जाते हैं आपने फ्लैग्स वगैरह या पैरामीटर कौन से यूज़ किए थे। जनरली कुछ सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि आपको मल्टीपल यानी बहुत सारे पैरामीटर्स देना पड़ते हैं और ये आप याद नहीं रख सकते कि आपने फंसिंग के टाइम पे क्या यूज़ किया था। तो इस केस में आप ये यूज़ कर सकते हैं इस फाइल का कि आपने एक्चुअल पैरामीटर क्या यूज़ किया था फंसिंग के टाइम। और इसके अलावा ये अगर आप क्रैशेस की लिस्ट देखेंगे क्रैशेस फाइल की, तो आईडी जैसे मैंने बताया 00 मतलब ये पहला क्रैश है। और इसमें सिग्नल यानी जो लिनक्स में जो प्रोसेस टर्मिनेट होता है तो 6 जो होता है उसका सिग्नल होता है 6, तो ये 6 एक्चुअली सिग्नल 6 है यहाँ पर। और इसका सोर्स जो होता है यानी वो जो पहला इनपुट आपने यूज़ किया था इन डायरेक्टरी में जो पहला इनपुट था वो था, और उसमें ऑपरेशन क्या था हैव ऑफ और उसमें रिपीटेशन ऑफ 16 bytes का था। तो ये पहला क्रैश को यहाँ मिला, दूसरा क्रैश भी उसे हैव ऑफ स्ट्रेटजी से मिला है, तीसरा भी आपको हैव ऑफ यानी सारे जो क्रैश मिले हैं वो हैव ऑफ से मिले। बट जनरली जब आप रियल सॉफ्टवेयर को फर्स्ट करते हैं किसी को, ये सारे अलग अलग आपको नाम से उसमें दिखेगा, हैवॉक होगा, कुछ आर्थमेटिक होगा, कुछ डिक्शनरी वगैरह हो सकता है। तो ये क्योंकि हमारा प्रोग्राम काफ़ी सिंपल था इसलिए ये ऐसा क्रैश हुआ। तो इसके साथ में ही मैं अपना वीडियो आज का बंद करना चाहूँगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो रहा है। और मुझे प्लीज़ अपना कमेंट दीजिए कि आपको कैसा लगा, क्या मुझे हिंदी में और वीडियो बनाना चाहिए, नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हैं। और आप मुझे ट्विटर पे फॉलोअप कर सकते हैं या यूट्यूब के जो चैनल है उसमें वीडियो के अंदर आप कमेंट लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये आप ये जो कमेंट्स हैं वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हैं अलग अलग तरह के वीडियोस बनाने का। और जैसा मैंने बताया मैं खुद हिंदी में पढ़ा हूँ तो मेरे लिए भी एक काफ़ी मुश्किल था, बट मैंने काफ़ी से टाइम से ओवरकम कर चुका हूँ अब मैं। तो अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो आपको इन्फीरियरिटी रखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं हिंदी में पढ़ाऊँ मैं कैसे करूँगा, सब सिंपल है। आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं और समय के साथ में ये सब आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपको टेक्निकल आता है तो आप उसे ऑलरेडी आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी चीज़ में। तो थैंक यू और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो तक आप सेफ रहें और थैंक यू, बाय।